हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर वीकेंड के वार के दौरान सलमान खान ने किया निमरित कौर आलूवालिया के डबल स्टैंडर्ड्स का पर्दाफाश। जी हाँ, सलमान ने पूरे का पूरा गेम खोल के रख दिया निमरित का, जिसके बाद प्रियंका ने बजाई ताली। क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर वीकेंड के वार का शूट हुआ और ऐसे में सलमान खान जहां सभी घर वालों से बात करते हुए नजर आए, तो वहीं सलमान ने बड़ी बात निमरित कौर आलूवालिया को भी बोली, क्योंकि इस बार वीकेंड के वार पर मुद्दे कई सारे थे। सलमान ने निमरित के गेम की पोल खोल कर रख दी। सलमान ने निमरित से कहा कि तुम खुद को समझती हो मिस राइट, यानी कि जो कुछ भी तुम करती हो वो सही करती हो, लेकिन तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम सही कर रही हो जो भी कर रही हो? सलमान की ये बात सुनकर निमरित के होश उड़ जाते हैं। निमरित समझ नहीं पाती कि सलमान क्या कहना चाह रहा है, जिसके बाद निमरित कहती है, मैं नहीं समझी सर। सलमान फिर बताते हैं कि किस तरह से राजा रानी वाले टास्क में तुमने चीटिंग की। सलमान ने कहा, निमरित हद होती है एक चीज की, तुमने जानबूझकर सौंदर्य की टोकरी में से सारी की सारी मछलियों को गिरा दिया, क्योंकि तुमको दिख गया था कि सौंदर्य की टोकरी भर चुकी थी और तुम उस समय सिर्फ ये चाहती थी कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करूं, मेरी टीम जीते और इनकी टीम से कोई भी कैप्टन ना बनने पाए। लेकिन जब तुमने टोकरी गिराई तो तुम्हें शायद पता नहीं था क्या कि इस घर के अंदर कई सारे कैमरास तुम्हें देख रहे हैं और साफ नजर आया कि सौंदर्य ने तुम्हें नहीं खींचा था बल्कि तुमने सौंदर्य की टोकरी को खींचा था। और जब प्रियंका ने इस बात का मुद्दा बनाया तो तुमने प्रियंका से लड़ाई की और अपने आप को गलत होते हुए भी सही प्रूव करने की कोशिश की, और तुम्हारी इस हरकत में तुम्हारा साथ शिव ने भी दिया और तुम्हारे बाकी साथियों ने भी दिया। लेकिन यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत नजर आ रही हो अब, और मैं कहना चाहूंगा कि आम जनता ने इस बार बहुत ही अच्छे से खेला राजा रानी वाले टास्क में, लेकिन संचालक बायस था और दूसरी तरफ तुम लोगों ने जमकर चीटिंग भी की, जिस वजह से ये लोग हार गए। इसलिए निमरित, आगे से अपने आप को लिए ये मत कहना कि तुम सही का साथ देती हो, क्योंकि अब तो तुम खुद भी सही नहीं लग रही हो। सलमान की इस बात को जैसे ही सुना, प्रियंका ने भी उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसको ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसको इंसाफ मिल गया हो, क्योंकि भाई प्रियंका और निमरित की बड़ी लड़ाई हुई थी इसी टास्क के दौरान, और यहाँ पर निमरित ने सारी की सारी कोशिश की थी अपने आप को सही साबित करने की। लेकिन अब तो सलमान ने ही बता दिया कि कौन सही था और कौन गलत। आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।